हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो सबसे पहले जैसे अगर अपन बात करें कि इंडिपेंडेंट ब्रांच होती क्या है, तो ऐसी ब्रांचेस जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट है, ऐसी ब्रांचेस जो अपना अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है, वो ब्रांचेस अपने लिए क्या है, इंडिपेंडेंट ब्रांच है। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच के केस में क्या होता है कि एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है हेड ऑफिस का और एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है ब्रांच का। तो जैसे डिपेंडेंट ब्रांच के केस में अगर आपकी ब्रांच डिपेंडेंट है तो क्या होता है, एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है और वो होता है हेड ऑफिस का। और इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच, एचओ का बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग होता है और ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, अलग है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस करना है, देखो डिपेंडेंट ब्रांच का पर्पस अलग होता है और इंडिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंटिंग पर्पस क्या है, अलग है। तो अगर हम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है एचओ का और एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है किसका, ब्रांच का। तो अपने को सबसे पहले यहां पे क्या डिस्कस करना है कि जैसे एचओ के ट्रांजैक्शंस की बात करें तो एचओ के कुछ ट्रांजैक्शंस आउटसाइडर्स के साथ होंगे और एचओ के कुछ ट्रांजैक्शन क्या होंगे, ब्रांच के साथ होंगे। ऐसे ही बच्चों, ब्रांच के कुछ ट्रांजैक्शन क्या होंगे, आउटसाइडर्स के साथ होंगे और कुछ ट्रांजैक्शन क्या होंगे, एचओ के साथ होंगे। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एचओ अपनी बुक में आउटसाइडर्स के साथ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे रिकॉर्ड करता है, या ब्रांच अपनी बुक में आउटसाइडर्स के साथ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे रिकॉर्ड करता है। तो ब्रांच अगर आउटसाइडर्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको एचओ और ब्रांच अपने जो आउटसाइडर्स के साथ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम है। जैसे हेड ऑफिस ने परचेज किया तो हेड ऑफिस अपनी बुक में वैसे ही रिकॉर्ड करेगा जैसे नॉर्मल परचेज होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और क्रेडिटर। इसी तरह से अगर ब्रांच ने परचेज किया है तो ब्रांच भी अपनी बुक में उसको वैसे ही रिकॉर्ड करेगा जैसे नॉर्मल अकाउंटिंग होती है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स कि एचओ का आउटसाइडर्स के साथ जो ट्रांजेक्शन होता है उसको एचओ कैसे रिकॉर्ड करता है, या ब्रांच का आउटसाइडर्स के साथ जो ट्रांजेक्शन होता है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पे पढ़ने के लिए जो अपने पास यूनिक है, जो सेपरेट है, जो बाकी चैप्टर्स में नहीं है, वो क्या है कि अगर एचओ का ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन होता है तो उसको एचओ कैसे रिकॉर्ड करता है, या ब्रांच का एचओ के साथ ट्रांजैक्शन होता है तो उसको ब्रांच कैसे रिकॉर्ड करता है। तो अपने को यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि एचओ और ब्रांच के बीच में जो करंट ईयर में ट्रांजैक्शन हुए, ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन हुए, उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसके लिए एचओ अपनी बुक में क्या करता है, ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है, और इसी तरह से ब्रांच अपनी बुक में क्या करता है, एचओ अकाउंट मेंटेन करता है। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एचओ और ब्रांच दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, थर्ड पार्टी मानते हैं। तो एचओ अपनी बुक में सिंपली क्या करता है, एक ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है, और इसी तरह से ब्रांच अपनी बुक में क्या करता है, एचओ का अकाउंट मेंटेन करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात क्या है कि जब भी रिसीवेबल होगा तो ये एक दूसरे के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब भी पेबल होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मींस ये हुआ कि अगर एक ही ट्रांजैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो उस ट्रांजैक्शन को हेड ऑफिस भी रिकॉर्ड करेगा और ब्रांच भी रिकॉर्ड करेगा। एक ही ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग एचओ भी अपनी बुक में करेगा और ब्रांच भी अपनी बुक में करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, इंडिपेंडेंट है। तो एचओ का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल अलग है और ब्रांच का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, बिल्कुल अलग है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में एचओ के लिए ब्रांच से कोई अमाउंट रिसीवेबल है तो एचओ ब्रांच के अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा, और उसी ट्रांजैक्शन में ब्रांच एचओ के अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। इसी तरह से अगर कोई अमाउंट एचओ के लिए ब्रांच को पेबल है तो वो इस अकाउंट को क्या होगा, क्रेडिट करेगा, और उसी ट्रांजैक्शन की एंट्री में ब्रांच एचओ के अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब किसी एंट्री में एचओ ब्रांच को डेबिट करेगा तो ब्रांच उसी ट्रांजैक्शन की एंट्री में एचओ को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, और जब एचओ ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है तो ब्रांच एचओ के अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो अपना इस पॉइंट में सबसे पहला जो डिस्कशन है वो ये है कि ड्यूरिंग द ईयर एचओ और ब्रांच के बीच में जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रांजेक्शन होते हैं उनको ये कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग देख सकते हैं। जैसे एचओ ने ब्रांच को गुड सेंड किया तो एचओ क्या कर रहा है, ब्रांच को गुड सेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एचओ ने ब्रांच को गुड सेंड किया तो ये अमाउंट एचओ के लिए क्या है, रिसीवेबल है ब्रांच से, इसलिए एचओ अपनी बुक में ब्रांच अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा, जबकि यही अमाउंट ब्रांच के लिए क्या है, एचओ को पेबल है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले किसके लिए, फॉर गुड सेंड टू ब्रांच, तो एचओ ने अगर ब्रांच को गुड सेंड किया तो एचओ अपनी बुक में एंट्री करेगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच।
तो एचओ ने ब्रांच को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एचओ के लिए वो अमाउंट ब्रांच से क्या है, रिसीवेबल है, और वही अमाउंट ब्रांच के लिए एचओ को क्या है, पेबल है। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो एचओ ने अगर ब्रांच को गुड सेंड किया तो एचओ अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड टू ब्रांच, और उसी ट्रांजेक्शन को जब ब्रांच अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा तो वो क्या बोलेगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ। अगर हम लोग बात करें कि मान लो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, जैसे अगर बात किया जाए कि ब्रांच ने गुड्स क्या किया, रिटर्न कर दिया। एक चीज अपन लोग हमेशा हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि परचेज सेल या जितने भी परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न या गुड्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं, गुड्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट हैं उनका अकाउंटिंग रूल क्या होता है कि जब भी गुड्स इनफ्लो होता है तो आप उसके अकाउंट को क्या करते हो, डेबिट करते हो, और जब भी गुड्स का क्या होता है, आउटफ्लो होता है, तो हम लोग उस अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे जो गुड्स सेंड टू ब्रांच है वो गुड्स का अकाउंट है, तो जब भी गुड्स का आउटफ्लो होगा ना तो ये अकाउंट क्रेडिट होगा, और जब भी गुड्स का इनफ्लो होगा तो ये अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो जैसे एचओ ने ब्रांच को गुड्स सेंड किया तो एचओ के यहां से गुड्स का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए एचओ गुड्स अकाउंट को क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, और ब्रांच के यहाँ वही गुड्स का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, इसलिए ब्रांच गुड्स अकाउंट को क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है। अभी जैसे सेकेंड ट्रांजेक्शन की बात करें जो कि एचओ और ब्रांच के बीच में होता है, ब्रांच ने कुछ गुड्स क्या किया, एचओ को रिटर्न कर दिया। ब्रांच ने एचओ को क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया। तो ब्रांच अगर एचओ को गुड्स रिटर्न करेगा तो एचओ अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, इस केस में गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और इसी की अगर हम लोग बात करें कि ब्रांच एंट्री क्या करेगा, तो ब्रांच एचओ को गुड्स रिटर्न कर रहा है तो ब्रांच अपनी बुक में क्या करेगा, एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच। तो आप देख सकते हो कि जब एचओ की बुक में ब्रांच अकाउंट डेबिट हो रहा है तो ब्रांच की बुक में एचओ अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि जितना यहाँ रिसीवेबल उतना ही यहाँ क्या है, पेबल है। और जब एचओ की बुक में ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो ब्रांच की बुक में एचओ अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इसी तरह से अगर अपन बात करें कैश सेंड बाय ब्रांच टू एचओ, कैश सेंड बाय ब्रांच टू एचओ, सेम गुड्स की तरह कैश भी क्या है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ब्रांच ने एचओ को कैश पे किया, तो अगर मैं एचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एचओ को कैश रिसीव हो रहा है ब्रांच से, तो एचओ अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्रांच इज पेइंग टू एचओ, ब्रांच एचओ को क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो इस केस में ब्रांच एचओ ब्रांच की बुक में एंट्री क्या कर सकते हैं अपन, एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश। सिमिलरली वी कैन से कि अगर कैश सेंड बाय एचओ टू ब्रांच है, हम लोग वो ट्रांजेक्शन देख रहे हैं जो ड्यूरिंग द ईयर एच और ब्रांच के बीच में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हुए। इफ कैश सेंड बाय एचओ टू ब्रांच, एचओ ने ब्रांच को कैश पेमेंट किया है, तो एचओ अपनी बुक में क्या कर सकता है, सिंपल एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसी को अगर अपन ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ब्रांच को क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या कर सकता है, कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बन सकता है, ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय एचओ, एक्सपेंसेस ब्रांच के हैं बट पेड बाय एचओ, एचओ ने पेमेंट किया है, तो एचओ जो पेमेंट कर रहा है ब्रांच के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, तो वो एचओ के लिए ब्रांच से क्या होता है, रिसीवेबल होता है। तो यहां पे एंट्री क्या हो रही, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि एचओ ने पेमेंट किस में किया, कैश में किया। और इसी ट्रांजेक्शन को अगर ब्रांच अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा तो ये ब्रांच के लिए क्या है, एक्सपेंस है, जो किसने पेमेंट किया है, एचओ ने, तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से अमाउंट वापस एचओ को क्या है, पेबल है। तो ब्रांच इसी की एंट्री अपने बुक में क्या करता है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एचओ। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एचओ एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। अगर कभी ऐसा हो कि एक्सपेंस किसके हैं, हेड ऑफिस के, पर पेमेंट कौन कर रहा है, ब्रांच कर रहा है, एचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो एचओ के एक्सपेंस है जो ब्रांच ने पे किया, इसलिए अमाउंट वापस ब्रांच को क्या है, पेबल है। तो यहां एंट्री क्या होनी चाहिए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्रांच ने ऑन बिहाफ ऑफ एचओ पेमेंट किया, जो कि एचओ के लिए, जो कि ब्रांच के लिए एचओ से वापस क्या है, रिसीवेबल है। तो यहां पे ब्रांच एंट्री क्या करेगा, एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करूं और क्या हो सकता है, एचओ एक्सपेंस चार्ज ऑन ब्रांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचओ के एक्सपेंस हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रांच को चार्ज कर रहे हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजर है जो कि अपना जो टाइम है उसका 80% टाइम वो एचओ पे डिवॉर्ड करता है, 20% टाइम वो क्या करता है, ब्रांच पे डिवॉर्ड करता है। तो इस केस में अगर सोचा जाए तो मैनेजर की सैलरी का 80% एचओ बेयर करेगा और 20% क्या होगा, ब्रांच बेयर करेगा। लेट सपोज सैलरी ऑफ मैनेजर इज 10,000 और वो पूरा का पूरा सैलरी क्या किया, एचओ ने पे किया। तो एचओ ने जब सैलरी पे किया तो एचओ ने वो सारा एक्सपेंस अपनी बुक में रिकॉर्ड करके क्या कर दी, एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड अमाउंट इज 10,000।
जबकि इस सैलरी में से 2000 की सैलरी जो है वो ब्रांच के लिए है। तो इस केस में अगर कोई एक्सपेंसेस एचओआर ब्रांच का कॉमन है और उसको एचओ अपनी बुक में पूरा एक बार रिकॉर्ड कर चुका है, तो प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंस एचओ क्या करेगा, ब्रांच पे चार्ज करेगा। तो इससे क्या होगा, 10,000 की सैलरी में से अगर एचओ 2,000 की सैलरी ब्रांच पे चार्ज करेगा तो उससे एचओ के एक्सपेंस क्या होंगे, कम हो जाएंगे एंड इट्स रिसीवेबल फ्रॉम ब्रांच। तो यहां पे अगर मैं इस सैलरी में से 2,000 की सैलरी ब्रांच पे चार्ज करूं तो मैं एंट्री क्या करूंगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड अमाउंट कितना होगा 2,000। और ऐसा करने से क्या होगा, 10,000 की सैलरी 2,000 से रिड्यूस होके कितनी रह जाएगी, 8,000। और इसको जब ब्रांच अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा तो ब्रांच सिंपली एंट्री कर सकता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू एचओ, क्योंकि अमाउंट पेबल किसको है, एचओ को है 2,000 से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ एचओज एक्सपेंसेस चार्ज ऑन ब्रांच, अगर एचओ अपना कोई एक्सपेंस ब्रांच पे चार्ज करेगा तो बहुत नॉर्मल सी बात है, उससे एचओ के अपने एक्सपेंस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ये अमाउंट ब्रांच से क्या होगा, रिसीवेबल होगा। तो एचओ अपनी बुक में इसकी एंट्री क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, और ब्रांच इसको रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या करेगा, एचओ अकाउंट डेबिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ। और आप बहुत सिंपली देख सकते हो कि जब यहां पे ब्रांच अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहां पे एचओ का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट और क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांजेक्शन एचओ और ब्रांच के बीच में ड्यूरिंग देयर हो सकता है, तो कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स टू एचओ, कैश पेड बाय ब्रांच डेटर्स टू एचओ, ब्रांच डेटर्स ने पेमेंट किसको किया है, एचओ को। अब एचओ की बुक में ब्रांच का ब्रांच अकाउंट है, उसके अलावा और कोई अकाउंट नहीं है। तो एचओ के अगर एचओ को कैश कलेक्ट हो रहा है ब्रांच डेटर से, तो भी यही माना जाएगा कि वो कैश जो है वो किससे कलेक्ट हो रहा है, ब्रांच से कलेक्ट हो रहा है। तो एचओ अपनी बुक में एंट्री क्या कर सकता है, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। जबकि ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्रांच के डेटर्स ने एचओ को कैश पेमेंट किया, तो ब्रांच के यहां तो कोई कैश फ्लो हुआ नहीं, तो ब्रांच के लिए ये अमाउंट एचओ से रिसीवेबल है और डेटर का अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ब्रांच अपनी बुक में इसकी एंट्री क्या करेगा, एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड्स डायरेक्टली रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स टू एचओ, गुड्स डायरेक्टली रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स टू एचओ। तो इसको अगर समझा जाए तो एक एचओ, एक ब्रांच और एक ब्रांच के डेटर्स, तीन पर्सन है, हेड ऑफिस एक पर्सन है, ब्रांच एक पर्सन है और डेटर एक पर्सन है। अगर लॉजिकली सोचा जाए, अगर ब्रांच के डेटर्स ब्रांच को रिटर्न करते, ब्रांच के डेटर्स डिफेक्टिव होने की वजह से गुड्स क्या करते, ब्रांच को रिटर्न करते, तो हम लोग इसको बोलते कि ये क्या है, बेसिकली सेल्स रिटर्न है। और इसकी एंट्री ब्रांच अपनी बुक में क्या करता है, इसकी एंट्री ब्रांच अपनी बुक में क्या करता, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। और वही गुड्स अगर ब्रांच वापस एचओ को रिटर्न करता, वो डिफेक्टिव गुड्स, अब अगर ब्रांच एचओ को रिटर्न करता, वो गुड्स ब्रांच ने क्या किया, एचओ को रिटर्न करता, तो ब्रांच एक एंट्री और करती गुड्स रिटर्न की। तो ब्रांच अगर एक एंट्री और गुड्स रिटर्न की करती तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करती, एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, या वी कैन से कि एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच। और एचओ अपनी बुक में गुड्स रिसीव होने पे एंट्री क्या करता, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अब यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन क्या बनता है कि ब्रांच के डेटर्स ने डायरेक्टली एचओ को रिटर्न कर दिया, ब्रांच के डेटर्स ने डायरेक्टली एचओ को क्या किया, रिटर्न किया। तो ये जो सिंगल ट्रांजेक्शन है, ये इन दोनों ट्रांजेक्शन का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो अगर ब्रांच के डेटर्स ने डायरेक्ट एचओ को रिटर्न किया तो सिंपली वी कैन से कि पहले डेटर्स ने ब्रांच को रिटर्न किया और फिर ब्रांच ने वो गुड्स क्या किया, एचओ को रिटर्न किया। तो इस केस में ब्रांच की बुक में आपको दो एंट्री करनी पड़ेगी, एक सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी पड़ेगी और एक गुड्स रिटर्न की एंट्री करनी पड़ेगी, जबकि एचओ अपनी बुक में क्या करेगा, सिर्फ एक ही एंट्री करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है। और हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजेक्शन कौन सा, हम लोग बात कर रहे हैं गुड्स डायरेक्टली रिटर्न बाय ब्रांच डेटर्स टू एचओ। तो इस केस में इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एक एंट्री तो किसके लिए होगी, वन एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न एंड अदर एंट्री फॉर गुड्स रिटर्न। तो ये एंट्री जो हो रही है वो किसके लिए हो रही है, सेल्स रिटर्न के लिए, जैसे नॉर्मल होता है आपके लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और ये एंट्री हो रही है जो हम लोगों ने गुड्स क्या किया, रिटर्न किया उसके लिए। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ। और एचओ अपनी बुक में क्या करेगा, एक ही एंट्री करेगा, जो गुड्स रिटर्न होके उसके पास रिसीव हो रहा है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो गुड्स के रिगार्डिंग हमेशा ध्यान रखना कि गुड्स एक रियल अकाउंट है
और गुड से रिलेटेड जितने भी अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, और उन पे कैश की तरह वही लॉजिक चलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे एचओ को गुड्स वापस क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, इसलिए एचओ गुड्स से रिलेटेड अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट करेगा। उसके बाद और कौन से ट्रांजेक्शन यहाँ बन सकते हैं अगर हम लोग बात करें, तो एचओ ब्रांच के बीच में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांजेक्शन और क्या हो सकते हैं, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम लोग देखें, ब्रांच क्रेडिटर्स पेड बाय एचओ, क्रेडिटर किसके हैं, ब्रांच के, और पेमेंट किसने किया, एचओ ने। तो एचओ क्या कर रहा है, ब्रांच के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, तो एचओ के लिए अमाउंट ब्रांच से क्या है, रिसीवेबल है। तो एचओ इसके लिए अपनी एंट्री, अपनी बुक में एंट्री क्या कर सकता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पेमेंट एचओ कर रहा है। और ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्रेडिटर्स को पेमेंट किसने किया, एचओ ने किया, तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू एचओ। इसी तरह से मान लो सपोज एचओ क्रेडिटर पेड बाय ब्रांच, क्रेडिटर एचओ के, और पेमेंट किसने किया, ब्रांच ने। तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए तो ब्रांच क्या कर रहा है, एचओ के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है, इसलिए वो अमाउंट एचओ से क्या बनता है, रिसीवेबल बनता है। तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश, और वहीं एचओ के क्रेडिटर्स को पेमेंट किसने किया, ब्रांच ने किया, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा और ब्रांच का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन वापस बनता है, एचओज इनकम कलेक्टेड बाय ब्रांच, इनकम हेड ऑफिस का है बट इट इज कलेक्टेड बाय ब्रांच, इन एचओ की इनकम को ब्रांच ने क्या किया, कलेक्ट कर लिया। तो ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ब्रांच को क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है एंड इट्स पेबल टू एचओ। तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ। और अगर मैं एचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एचओ की इनकम है, इसलिए इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी, और ये इनकम अपने को किससे रिसीव करनी है, ब्रांच से। तो यहां पे एंट्री क्या बनती है, अपनी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इनकम। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हो सकता है, ब्रांच इनकम कलेक्टेड बाय एचओ, ब्रांच इट्स इन ब्रांच इनकम कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस, इनकम किसका है, ब्रांच का, बट इट इज कलेक्टेड बाय हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस को कैश रिसीव हो रहा है बट इट्स पेबल टू ब्रांच, वो ब्रांच के बिहाफ पे कैश कलेक्ट हो रहा है। तो एचओ अपनी बुक में एंट्री क्या कर सकता है, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अब जब यहाँ पे ब्रांच क्रेडिट होगा तो ये पक्का है कि ब्रांच की बुक में एचओ अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो इट्स ब्रांच इनकम विच इज कलेक्टेड बाय एचओ, सो फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ब्रांच ये अमाउंट एचओ से क्या है, रिसीवेबल है, तो यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए, एचओ अकाउंट डेबिट टू इनकम। इसी तरह से इंटर ब्रांच ट्रांसफर ऑफ कैश इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर मैं बात करूं कि ए ब्रांच ने बी ब्रांच को कैश सेंड किया, ए ब्रांच ने बी ब्रांच को कैश सेंड किया, तो एचओ क्या करेगा कि रिसीविंग ब्रांच का अकाउंट डेबिट करेगा और सेंडर ब्रांच का अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट किया करेगा। तो अगर ए ब्रांच ने बी ब्रांच को सेंड किया तो हु इज द रिसीविंग ब्रांच, बी ब्रांच, एंड हु इज द सेंडर ब्रांच, ए ब्रांच। तो इस केस में एचओ अपनी बुक में एंट्री क्या कर सकता है, बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ए। जबकि अगर मैं यहां पे बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है, कि ब्रांच एचओ की बुक में सारे ब्रांचेस के इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं, पर ब्रांचेस की बुक में सिर्फ और सिर्फ एचओ का अकाउंट होता है, ए ब्रांच की बुक्स में बी ब्रांच का अकाउंट नहीं होता है, या बी ब्रांच की बुक में ए ब्रांच का अकाउंट नहीं होता है, क्योंकि ये आपस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। इंटर ब्रांच जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ऑन बिहाफ ऑफ क्या हो रहा है, एचओ हो रहा है। तो अगर ए ब्रांच ने बी ब्रांच को कैश सेंड किया तो ए ब्रांच यही मानेगी कि वो किसको सेंड कर रही है, एचओ को, और बी ब्रांच यही यही इंटरप्रेट करेगी कि वो कैश किससे रिसीव हुआ है, एचओ से। तो ए ब्रांच की बुक में एंट्री ऐसी होगी जैसे पेमेंट किसको हुआ है, एचओ से हुआ है। तो यहां पे एंट्री होगी एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश, और बी ब्रांच अपनी बुक में एंट्री कैसे करेगा, जैसे कैश रिसीव जो हुआ है वो किससे हुआ है, एचओ से हुआ है। तो यहां पे एंट्री क्या होगी, बी ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना कि दो ब्रांचेस आपस में जब भी ट्रांजेक्शन करती है तो वो ऑन बिहाफ ऑफ एचओ होता है, एचओ की बुक में हर ब्रांच का इंडिविजुअल अकाउंट होता है, पर ब्रांच की बुक में सिर्फ और सिर्फ एचओ अकाउंट होता है, एक ब्रांच की बुक में दूसरी ब्रांच का अकाउंट नहीं होता है। तो अगर ब्रांचेस के बीच ट्रांजेक्शन होगा तो यही माना जाएगा कि वो ब्रांचेस जो ट्रांजेक्शन कर रही है वो ऑन बिहाफ ऑफ एचओ कर रही है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ इंटर ब्रांच ट्रांसफर ऑफ गुड्स, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, अगर ए ब्रांच ने बी ब्रांच को गुड सेंड किया, ए ब्रांच ने बी ब्रांच को गुड सेंड किया, तो एचओ की बुक में तो दोनों ब्रांच अकाउंट है, तो एचओ सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, रिसीविंग ब्रांच अकाउंट डेबिट और सेंडर ब्रांच अकाउंट क्या करे, सेंडिंग ब्रांच अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो सकती है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक्स ब्रांच ने क्या किया,
वाई ब्रांच को गुड सेंड किया, तो रिसीविंग ब्रांचेस वाई ब्रांच एंड द सेंडिंग ब्रांचेस एक्स ब्रांच, तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा, वाई वाई इज अकाउंट डेबिट टू एक्स। और अगर मैं एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक्स ब्रांच ने वाई ब्रांच को सेंड किया, तो एक्स ब्रांच यही मानेगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने एचओ को गुड्स क्या किया, रिटर्न कर दिया। तो एचओ एक्स ब्रांच के पास से गुड्स का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो एक्स ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच। और वाई ब्रांच जब गुड्स रिसीव करेगा तो वाई ब्रांच ऐसे ही गुड्स रिसीव करेगा जैसे वो गुड्स उसको किससे रिसीव हो रहा है, एचओ से रिसीव हो रहा है। तो वाई ब्रांच अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, क्योंकि उसको गुड्स रिसीव हो रहा है, तो गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ ए ब्रांच इज पेड बाय बी ब्रांच। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ ए ब्रांच, इफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ ए ब्रांच इज पेड बाय बी ब्रांच, तो इस केस में क्या होगा, एचओ की बुक में सारी ब्रांचेस के सेपरेट अकाउंट है, तो एचओ के लिए रिसीवेबल किससे, ए से, और पेएबल किसको है, बी को। एक्सपेंस किसका था, ए ब्रांच का, पेमेंट किसने किया, बी ब्रांच का। तो एचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ए ब्रांच से रिसीवेबल एंड इट्स पेएबल टू बी ब्रांच, इसलिए एचओ अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, ए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बी ब्रांच। और वहीं अगर हम लोग बात करें इन द बुक्स ऑफ ए ब्रांच, तो ए ब्रांच के एक्सपेंस है जो कि पेमेंट बी ब्रांच कर रही है, पर ए ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस अमाउंट इज पेएबल टू हेड ऑफिस, तो ए ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एचओ। और बी ब्रांच जिसने पेमेंट किया है उसके लिए ये अमाउंट एचओ से क्या रिसीवेबल है, तो बी ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या कर सकता है, एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच एसेट्स, अकाउंटिंग फॉर ब्रांच एसेट्स। अब यहाँ पे क्या अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि इसमें दो कंडीशन बेसिकली रहती है। फर्स्ट क्या है कि व्हेन ब्रांच एसेट्स इज मेंटेन इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, मींस ब्रांच एसेट जो है वो ब्रांच की बुक्स में क्या हो रही है, मेंटेन हो रही है। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रांच एसेट यूज बाय ब्रांच बट मेंटेन इन द बुक्स ऑफ एचओ फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग। तो अगर ब्रांच का एसेट्स ब्रांच मेंटेन करता है तो बहुत नॉर्मल अकाउंटिंग है, पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है व्हेन ब्रांच एसेट यूज बाय ब्रांच बट मेंटेन इन द बुक्स ऑफ एचओ फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, व्हेन अकाउंटिंग फॉर ब्रांच एसेट व्हेन मेंटेन इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, मींस ब्रांच एसेट से ब्रांच यूज कर रहा है और मेंटेन भी किसकी बुक्स में, ब्रांच की बुक्स में। तो बेसिकली इसमें इससे रिलेटेड अगर ट्रांजेक्शन करें तो सबसे पहले जैसे इफ ब्रांच एसेट परचेज बाय ब्रांच, ए ब्रांच एसेट इज परचेज बाय ब्रांच, तो एचओ तो अपनी बुक में कोई एंट्री करेगा नहीं, इस केस में ब्रांच वैसे ही ऑर्डिनरी एंट्री करेगा जैसे एंट्री आप करते हैं। तो एंट्री क्या होगी इस केस में, इस केस में ब्रांच अपनी बुक में क्या एंट्री कर सकता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकेंड, इफ ब्रांच एसेट्स इज परचेज बाय एचओ, अगर ब्रांच एसेट्स एचओ ने परचेज किया है, इफ ब्रांच एसेट्स इज परचेज बाय एचओ, तो एचओ ब्रांच के बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है तो बहुत नॉर्मल है, एचओ के लिए ब्रांच से क्या रिसीवेबल है, तो एचओ अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। और ब्रांच अपनी बुक में एसेट्स रिकॉर्ड करेगा एंड सम इज पेएबल टू एचओ, तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या कर सकता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एचओ। इसी तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज करें, अब हु इज यूजिंग एसेट्स, ब्रांच इज यूजिंग एसेट, देयरफॉर डेप्रिसिएशन विल आल्सो चार्ज बाय द ब्रांच। तो इन द बुक्स ऑफ एचओ नो एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन एंड इन द बुक्स ऑफ ब्रांच एज यूजुअल नॉर्मल एंट्री, जैसा आप लोग डेप्रिसिएशन के लिए चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। तो ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ब्रांच एसेट्स का, जो उस कंडीशन में होता है व्हेन ब्रांच एसेट्स इज यूज्ड बाय ब्रांच एंड मेंटेन बाय ब्रांच इन इट्स बुक्स। तो ब्रांच एसेट्स अगर ब्रांच यूज कर रहा है और ब्रांच की बुक्स में ही क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि ये अकाउंटिंग सिस्टम रहेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पता है, कि जब ब्रांच का एसेट्स है यूज ब्रांच कर रहा है बट मेंटेन इन द बुक्स ऑफ एचओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्ट चले। तो अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग फॉर ब्रांच एसेट्स एंड कंडीशन इज सेकंड, हम लोग कह सकते हैं कि मेंटेन इन द बुक्स ऑफ एचओ। सोच के देखो, ब्रांच का एसेट ब्रांच यूज कर रहा है बट ब्रांच एसेट्स अकाउंट इज मेंटेन इन द बुक्स ऑफ एचओ जस्ट फॉर द कंट्रोलिंग पर्पस, ताकि एचओ कंट्रोल कर पाए कि ब्रांच की एसेट से रिलेटेड कौन से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले इफ ब्रांच एसेट्स परचेज बाय एचओ,
तो समझने का एक इजीएस्ट वे, एच ओ और ब्रांच दो बुक्स हमारे पास हैं, तो इसको समझने का एक इजीएस्ट वे क्या है कि सबसे पहले एच ओ ने क्या किया, ब्रांच एसेट परचेज की। एच ओ ने ब्रांच का एसेट परचेज किया, तो एच ओ ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच पेमेंट कर रहा है, तो एच ओ अपनी बुक में एंट्री क्या कर सकता है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी को जब ब्रांच अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एच ओ। अब आप सोचो कि इस एंट्री से ब्रांच की बुक में क्या हुआ, एसेट्स अकाउंट ओपन हो गया। इस एंट्री से ब्रांच की बुक में एसेट्स अकाउंट ओपन हो गया, जबकि इस एसेट्स को मेंटेन किसको करना है, एच ओ को। तो वी कैन से कि ब्रांच ये एसेट्स वापस क्या करेगा, एच ओ को सेंड करेगा। तो जब ये एसेट्स ब्रांच को मेंटेन ही नहीं करना है, तो ब्रांच इस एसेट्स को वापस क्या करेगा, एच ओ को सेंड कर देगा। तो इस केस में ब्रांच अपनी बुक में एक एंट्री और करेगा, एच ओ अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और ये एसेट्स क्या करेगा, एच ओ अपनी बुक में रिसीव करेगा। तो एच ओ अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अब इन दोनों एंट्रीज को अगर मैं कंबाइन कर दूं, इन दोनों एंट्रीज को मैं कंबाइन कर दूं, तो आप खुद सोचें कि इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन दोनों दोनों एंट्रीज को मर्ज किया जाए तो यहाँ पे एसेट से एसेट्स कैंसिल हो जाएगा, एच ओ से क्या होगा, एच ओ कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन दोनों एंट्रीज को एच ओ की बुक में मर्ज किया जाए तो एंट्री क्या हुई, ब्रांच डेबिट हुआ, ब्रांच क्रेडिट हुआ, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली वी कैन से कि एच ओ ने अगर ब्रांच एसेट परचेज किया है तो वो अपनी बुक में इस कंडीशन में एंट्री क्या करेगा, ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, जबकि ब्रांच की बुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो इन केस ऑफ ब्रांच, इस केस में यहां पे कोई भी एंट्री नहीं होगी और सिर्फ एच ओ अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर सेकेंड बात की जाए, ब्रांच एसेट्स परचेज बाय एच ओ, ब्रांच एसेट्स परचेज बाय एच ओ, सॉरी, ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, ब्रांच एसेट्स परचेज बाय एच ओ की कंडीशन थी, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था वो क्या था, व्हेन ब्रांच एसेट्स परचेज बाय एच ओ। तो अपन ने बोला कि उस केस में ब्रांच एच ओ अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, एच ओ अपनी बुक में क्या करेगा, ये दो एंट्रीज कर रहा था, और इन दोनों एंट्रीज को अगर हम लोग क्या करें, क्लब करें, तो ब्रांच अकाउंट से ब्रांच अकाउंट तो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे एंट्री क्या हुई, ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ये दोनों एंट्रीज को अगर हम लोग क्लब करें तो क्या हुआ, एसेट से एसेट कैंसिल हो गया, एच ओ से एच ओ कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहां पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। और अगर सेकेंड अपन बात करें, अगर इसी केस में कंडीशन क्या चल रही है हमारी स्टूडेंट्स, हमारी कंडीशन क्या चल रही है कि ब्रांच एसेट्स जो है वो मेंटेन ब्रांच कर रहा है, पर अकाउंट, बट जो अकाउंट है वो किसकी बुक में मेंटेन है, एच ओ की बुक में मेंटेन है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, ए ब्रांच एसेट्स परचेज बाय ब्रांच, तो ब्रांच ने जब एसेट्स परचेज की तो अपनी बुक में पहली एंट्री क्या करेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये जो एसेट्स है, क्योंकि ब्रांच को मेंटेन करना नहीं है, इसलिए ब्रांच इस एसेट्स को क्या करेगा, एच ओ को सेंड कर देगा। तो सेकेंड एंट्री हम लोग क्या कर सकते हैं इस केस में, एच ओ अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और एच ओ अपनी बुक में इस एसेट्स को रिसीव करके एंट्री क्या करेगा, ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अगर ब्रांच की बुक में इन दोनों एंट्रीज को क्लब किया जाए, ब्रांच की बुक में इन दोनों एंट्रीज को क्लब किया जाए, तो एसेट्स परचेज और सेंड कर दिया, तो आप इन दोनों एंट्रीज के बजाय क्या कर सकते हैं, आप इन दोनों एंट्रीज के बजाय ब्रांच की बुक में क्या एंट्री करेंगे, इन दोनों एंट्रीज को मैं मर्ज करूं तो यहां पे एंट्री क्या हो रही है, एच ओ अकाउंट डेबिट टू कैश। और उसके बाद अगर इस केस में अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल वे से समझा जाए, नॉर्मल वे से अगर समझा जाए तो कैसे समझ सकते हैं हम लोग एच ओ और ब्रांच। अब क्योंकि एसेट्स को यूज कौन कर रहा है, ब्रांच, इसलिए डेप्रिसिएशन भी कौन चार्ज करेगा, ब्रांच। तो ब्रांच की बुक में अगर मैं फर्स्ट एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ब्रांच नॉर्मल जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री करता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। पर जो लोग समझदार हैं, सोच के देखें कि एच ब्रांच की बुक में एसेट्स अकाउंट तो है ही नहीं, क्योंकि एसेट्स जो है वो किसको सेंड की थी हम लोगों ने, एच ओ को। तो उस केस में यहाँ पे इस फिक्स एसेट्स को आपको क्या होगा, एच ओ को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप एंट्री क्या कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एच ओ, और इन दोनों एंट्रीज को क्लब किया जाए। तो जब ब्रांच का एसेट्स ब्रांच यूज कर रहा है, पर मेंटेन किसने किया, एच ओ ने किया, तो इस केस में अगर हम लोग बात करें तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या कर सकता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एच ओ। तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट नॉर्मल एंट्री होती है, पर ब्रांच की बुक्स में जब फिक्स एसेट्स है ही नहीं,
तो ब्रांच कभी भी एंट्री डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट नहीं कर सकता, तो फिक्स एसेट्स की जगह ब्रांच को क्या करना पड़ेगा, एचओ अकाउंट को यूज करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की यहाँ जो उस केस में एंट्री होती है वो एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ। और एचओ अपनी बुक में क्या करेगा, एचओ अपनी बुक में अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री की बात करें तो एचओ अपनी बुक में क्या करेगा, ब्रांच एसेट्स की वैल्यू कम करनी है तो एचओ अपनी बुक में एंट्री कर सकता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें कि अगर एसेट्स एचओ की बुक में मेंटेन है तो उसको रिड्यूस करने के लिए डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगा, एचओ को भी करनी पड़ेगी। तो पहले जैसे यहां पे एंट्री हुई डेप्रिसिएशन, ब्रांच ने एंट्री की जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, और जैसा अपन ने बोला कि एसेट्स अकाउंट यहाँ है नहीं तो जो एसेट्स अकाउंट है उसको अपने को क्या होगा, एचओ को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सेकेंड एंट्री वी कैन मेक एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एचओ। अब एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एचओ करोगे तो एचओ को क्या हो रहा है, इस एंट्री को सोच के देखें तो यहाँ पे जस्ट इसकी रिवर्स एंट्री होगी, एचओ अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एसेट्स। और इन दोनों एंट्रीज को यहाँ पे क्लब किया जाए तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एचओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो अगर अपन बात करें कि ब्रांच एसेट्स यूज बाय ब्रांच बट मेंटेन इन द बुक्स ऑफ एचओ, तो एक तो हो गया एचओ का बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एक हो गया किसका, ब्रांच का। इस केस में फर्स्ट अगर हम लोग बात करें ब्रांच एसेट्स परचेज बाय ब्रांच, ब्रांच एसेट्स परचेज बाय ब्रांच, तो अपन ऐसा सोच सकते हैं कि ब्रांच का एसेट्स अगर ब्रांच परचेज करेगा तो नॉर्मल एंट्री यहाँ पे क्या करेगा, वो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और जैसा कि अपन ने बोला कि एसेट्स आपको मेंटेन करनी नहीं है, इसलिए ब्रांच अपनी एसेट्स किसको सेंड कर देगा, एचओ को। तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, एचओ अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और यहाँ पे एचओ उस एसेट्स को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। तो ये एंट्री क्या होगी, ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और फाइनली अगर हम लोग इन दोनों एंट्रीज को क्लब करें तो एसेट से एसेट्स कैंसिल हो गया, यहाँ आप सीधी एंट्री कर सकते हो एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ब्रांच एचओ को डेबिट कर रहा है इसलिए एचओ अपनी बुक में ब्रांच को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। इसी केस में अगर हम लोग बात करें सेकेंड, ब्रांच एसेट्स परचेज बाय एचओ, ब्रांच का एसेट से परचेज किसने किया, एचओ ने। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँ कि एचओ ने परचेज किया, तो एचओ ने किसके बिहाफ पे परचेज किया, एचओ ने परचेज किए ब्रांच के बिहाफ पे, तो एचओ अपनी बुक पे एंट्री कर सकता है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। और इसी को अगर ब्रांच अपनी बुक में रिकॉर्ड करे तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एचओ। और अब अगर मैं बात करूं कि इस एसेट्स को, क्योंकि ब्रांच की बुक में तो मेंटेन करना नहीं है, तो ब्रांच ही एसेट्स क्या करेगा, एचओ को ट्रांसफर करेगा, तो ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या कर सकता है, वापस से एसेट्स अकाउंट डेबिट टू एचओ। यहां पे जब ब्रांच ही एसेट्स वापस एचओ को सेंड करेगा तो यहां पे एंट्री क्या हो जाएगी, एचओ अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और ये एसेट्स अब ब्रांच एचओ क्या करेगा, रिसीव कर लेगा। तो एचओ अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, वापस जब एसेट रिसीव करेगा तो एसेट्स ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और अगर अब लोग यहाँ कंबाइन एंट्री करें तो क्या होगा, एसेट से एसेट्स कैंसिल हो गया और एचओ से एचओ कैंसिल हो गया। इसका मतलब इफ ब्रांच एसेट परचेज बाय एचओ अगर हुआ तो इस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। और इन दोनों एंट्रीज को क्लब किया जाए तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन में अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करें, कंडीशन कौन सी है, ब्रांच एसेट्स यूज बाय ब्रांच बट मेंटेन इन द बुक्स ऑफ एचओ। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो यहां पे नॉर्मल एंट्री होनी चाहिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, पर क्योंकि एसेट्स हमारे पास है नहीं इसलिए हमको इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, एचओ यूज करना पड़ेगा। और सिंपली सोच सकते हो कि जब ब्रांच अपनी बुक में एचओ को क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है, तो एचओ अपनी बुक में ब्रांच को क्या करेगा, डेबिट करेगा, और ब्रांच की एसेट्स की वैल्यू को कम करने के लिए क्या होगा, ब्रांच एसेट्स को क्रेडिट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। अब ये जो भी हम लोगों ने अभी तक देखा ये सब बेसिकली वो ट्रांजेक्शन है जो कि एचओ और ब्रांच के बीच में होते हैं। और अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब भी एचओ की बुक में, इन द बुक्स ऑफ एचओ, जब भी ब्रांच अकाउंट डेबिट हुआ तो ब्रांच की बुक में एचओ का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। हमने इन एंट्रीज में देखा
कि जब एचओ ने ब्रांच को डेबिट किया तो ब्रांच ने एचओ को क्या किया उतने अमाउंट से क्रेडिट किया, या जब एचओ ने ब्रांच को क्रेडिट किया तो ब्रांच ने एचओ को उतने अमाउंट से क्या किया डेबिट किया। तो नॉर्मली वी कैन से कि एट द एंड ऑफ द ईयर अगर यहाँ पे बैलेंस 10,000 डेबिट है तो ब्रांच की बुक में एचओ का 10,000 क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, जो क्या शो करता है कि एचओ के लिए ब्रांच से अगर रिसीवेबल है तो उतना ही अमाउंट ब्रांच के लिए एचओ को क्या होना चाहिए पेबल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों अकाउंट सेम बैलेंस शो करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि सारे ट्रांजैक्शन दोनों ने क्या किए रिकॉर्ड किए। पर अगर कभी ऐसा हो कि एचओ की बुक में ब्रांच का डेबिट बैलेंस 10,000 है, मीन्स एचओ बता रहा है कि ब्रांच से रिसीवेबल 10,000 है, जबकि ब्रांच की बुक में एचओ के अकाउंट का बैलेंस अगर मान लो सिर्फ 8,000 है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो दोनों में से किसी एक ने रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कोई ना कोई ऑमिशन है, कोई ना कोई एरर है जो या तो एचओ की बुक में या ब्रांच की बुक में, इससे यह पता चलता है। तो स्टूडेंट्स अगर ईयर एंड पे ये दोनों अकाउंट इक्वल बैलेंस शो नहीं करते हैं, अगर ईयर एंड पे ये दोनों अकाउंट इक्वल बैलेंस शो नहीं करते हैं, तो उसका मतलब ही यही हुआ कि कहीं ना कहीं कोई एरर या ऑमिशन है। तो ईयर एंड पे जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, ईयर एंड पे जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो दोनों का अकाउंट क्या होना चाहिए बैलेंस इक्वल होना चाहिए। तो अगर दोनों का बैलेंस इक्वल नहीं है तो हमको दोनों के बैलेंस को क्या होता है रिकनसाइल करना पड़ता है। तो इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांच जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया वो अपन ने क्या किया कि एचओ ब्रांच के बीच में जितने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रांजेक्शन होंगे उनको एचओ ब्रांच कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और उसके लिए अपन ने बोला कि एचओ की बुक में ब्रांच अकाउंट मेंटेन हो रहा है और ब्रांच की बुक में क्या हो रहा है एचओ अकाउंट मेंटेन हो रहा है। और अब फ्रेंड्स अपन क्या बात कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों की बुक में दोनों के अकाउंट का बैलेंस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, और अगर वो बैलेंस इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अपने को इन दोनों के बैलेंस को क्या होगा रिकनसाइल करना पड़ेगा अकाउंटिंग एंट्रीज के थ्रू। तो जो सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, सेकंड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो क्या है रिकंसिलेशन ऑफ एचओ अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट। तो आपको क्या करना है एचओ की बुक में ब्रांच अकाउंट के बैलेंस को और ब्रांच की बुक में एचओ अकाउंट के बैलेंस को क्या करना है रिकनसाइल करना है। तो जो दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है उसका पहला रीजन क्या है, पहला रीजन फर्स्ट रीजन ये हो सकता है कि कहीं कोई एरर हो या ऑमिशन हो। जैसे सपोज अगर हम लोग बात करें कि एचओ ब्रांच, जैसे अगर हम लोग बात करें जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ब्रांच के डेटर्स ने एचओ को पेमेंट कर दिया, ब्रांच के डेटर्स ने क्या किया, जैसे अगर अपन बात करें एचओ ब्रांच, ठीक है, ब्रांच के डेटर्स ने एचओ को पेमेंट किया तो एचओ ने अपनी बुक में क्या किया उसको रिकॉर्ड कर लिया, एचओ ने अपनी बुक में एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच से सपोज 5,000, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच 5,000। पर ब्रांच के डेटर्स ने ब्रांच को इंटीमेट नहीं किया इसलिए ब्रांच ने अभी तक उसकी कोई भी एंट्री नहीं की। तो दिस इज ऑमिशन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांच। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर इस ट्रांजेक्शन को ब्रांच ने नहीं रिकॉर्ड किया तो इसकी एंट्री यूजुअल वे में कौन करेगा, ब्रांच करेगा। तो ब्रांच अपनी बुक में इस केस में एंट्री क्या कर सकता है एचओ अकाउंट डेबिट टू डेटर्स करके यहाँ पे एंट्री होगी 5,000। तो अगर दोनों के बैलेंस में जो डिफरेंस है वो किसी एरर या ऑमिशन की वजह से है, दोनों के बैलेंस में अगर डिफरेंस किसी एरर या ओमिशन की वजह से है तो स्टूडेंट बहुत नॉर्मल सी बात है जहां पे एरर या ओमिशन है, जहां गलती हुई है या जहां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ है वहीं पे अपने को क्या होगा एंट्री करनी पड़ेगी। अब सपोज जैसे एग्जांपल बोला जाए कि एचओज इनकम कलेक्टेड बाय ब्रांच, एचओ की इनकम क्या की ब्रांच ने कलेक्ट कर ली। अब एचओ की इनकम को ब्रांच ने कलेक्ट किया तो ब्रांच ने अपनी बुक में एंट्री कर ली कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ, और सपोज इनकम 10,000 है तो क्या हुआ क्रेडिट कर दिया। पर ये इंफॉर्मेशन एचओ के पास नहीं और एचओ ने इस ट्रांजेक्शन को अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया तो ये ऑमिशन किसकी बुक में, एचओ की बुक में। तो इसकी एंट्री किसको करनी पड़ेगी, एचओ की एंट्री एचओ को करना पड़ेगा, और एचओ अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा इस केस में ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इनकम, और ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इनकम करके आपको यहाँ पे 10,000 क्या होगा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों के बैलेंस में डिफरेंस किसी एरर या ओमिशन की वजह से है
तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि जहां पे एरर या ओमिशन है, अगर वो एचओ की बुक में एरर ओमिशन है तो उसको एचओ रेक्टिफाई करेगा, और अगर वो ब्रांच की बुक में है तो उसको उसकी एंट्री कौन करेगा? ब्रांच करेगा। दूसरा रीजन बेसिकली रहता है, सेकंड रीजन की अगर हम लोग बात करें तो एरर एंड ओमिशन की वजह से डिफरेंस है, तो जहां एरर या ओमिशन है वो ही अपनी बुक्स में उसको क्या करेगा, रिकनसाइल करने की एंट्री करेगा। हम लोग बात कर रहे हैं ईयर एंड पे एचओ की बुक में ब्रांच अकाउंट का बैलेंस, और ब्रांच की बुक में एचओ अकाउंट का बैलेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो उसको रिकनसाइल करने के लिए अपने को क्या होता है, एंट्रीज देनी पड़ती है। तो अगर डिफरेंस जो है वो एरर या ओमिशन की वजह से है, तो जहां पे एरर या ओमिशन है, अगर एचओ की बुक में है तो एचओ रिकनसिलेशन एंट्री करेगा, और अगर ब्रांच की बुक में है तो ब्रांच रिकनसिलेशन एंट्री करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड रीजन क्या होता है, गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट क्या होता है अगर हम लोग बात करें तो एचओ और ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फ्रेंड्स क्या हुआ, एचओ ने ब्रांच को गुड सेंड किया से सपोज ऑन 31st of March, एचओ ने जस्ट ईयर एंड पे क्या किया, ब्रांच को गुड सेंड किया। तो एचओ ने गुड सेंड किया, अब गुड्स अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एचओ ने क्या किया, एचओ ने ब्रांच को गुड सेंड किया तो एचओ ने तो एंट्री कर दी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच से सपोज 5000। तो एचओ की बुक में क्या हुआ, एचओ की बुक में ब्रांच अकाउंट 5000 से क्या हुआ, डेबिट हो गया। पर ईयर एंड तक ये गुड्स अभी तक ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ, इसलिए ब्रांच ने अभी तक इसकी कोई भी एंट्री नहीं की। तो एचओ की बुक में ब्रांच अकाउंट तो डेबिट है, पर ब्रांच की बुक में एचओ अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ। तो इस केस में रूल ये बोलता है कि जो गुड्स अभी भी इन ट्रांजिट है, क्यों इन ट्रांजिट बोल रहे हैं, क्योंकि एचओ ने गुड्स सेंड किया ईयर एंड पे या जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, पर अभी तक वो ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ, तो ये गुड्स अभी भी इन ट्रांजिट है, ये गुड्स अभी भी रस्ते में, तो इसकी एंट्री जो है बेसिकली नॉर्मल अकाउंटिंग रूल क्या है कि जहां से ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइज इनिशिएट होता है उसके सामने वाली पार्टी को क्या होता है, रिकंसिलेशन एंट्री करनी पड़ती है। तो इस केस में ब्रांच अपनी बुक में ये एंट्री तो नहीं कर सकता ना, गुड्स रिसीव अकाउंट डेबिट टू एचओ, क्योंकि अभी तक तो गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। तो इस केस में ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करता है, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ, ये एंट्री कितने से होगी, 5000 से होगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग पोस्टिंग करें तो गुड्स इन ट्रांजिट 5000 से क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इस केस में अगर एचओ ने गुड सेंड किया और ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ, तो ट्रांजैक्शन एचओ से इनिशिएट हुआ है, तो एचओ ऑलरेडी उसकी एंट्री कर चुका है, इसलिए रिकंसिलेशन एंट्री किसकी बुक में होगी, ब्रांच की बुक में होगी, भले उसने गुड्स रिसीव नहीं किया। तो इस केस में जो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री होगी वो कौन करेगा, ब्रांच करेगा, और ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ। सेम केस अगर ये बोला जाए कि ईयर एंड पे क्या हुआ कि एचओ और ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ब्रांच ने एचओ को गुड्स रिटर्न किया ईयर एंड या जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, ब्रांच ने एचओ को गुड्स रिटर्न किया, तो ब्रांच ने अपनी बुक में एंट्री किया कि एचओ अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिसीव से सपोज 1000, और क्या किया इसकी पोस्टिंग की, तो एचओ के अकाउंट को क्या किया, 1000 से डेबिट कर दिया। और क्योंकि एचओ ने ये गुड्स अभी तक रिसीव नहीं किया, इसलिए इस ट्रांजेक्शन की एंट्री ब्रांच ने तो की पर अभी तक एचओ ने नहीं की। तो इस केस में इसकी जो ये जो गुड्स इन ट्रांजिट है इसकी एंट्री किसको करनी पड़ेगी, इस गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री जो है वो किसको करनी पड़ेगी, एचओ को, और एचओ अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और इसकी पोस्टिंग करोगे तो ये ब्रांच अकाउंट में क्या होगा, क्रिएट होगा, फिर ये अकाउंट रिकनसाइल होगा। तो कॉमन क्या है, कॉमन पॉइंट क्या रह गया कि अगर एचओ ने गुड्स सेंड किया और ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ है तो उसकी एंट्री किसको करनी है, ब्रांच को एंट्री करनी है, और ब्रांच एंट्री क्या करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ। और अगर ब्रांच ने गुड्स सेंड किया और वो एचओ को रिसीव नहीं हुआ, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया और वो एचओ को रिसीव नहीं हुआ, तो ट्रांजेक्शन इनिशिएट ब्रांच से हुआ है, ट्रांजेक्शन जो इनिशिएट हुआ वो कहाँ से हुआ, ब्रांच से हुआ है, तो इस केस में उसकी एंट्री जो है वो किसको करनी पड़ेगी, ऑपोजिट पार्टी मीन्स एचओ को। तो एचओ अगर ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया तो ब्रांच ने तो एंट्री कर ली पर एचओ ने नहीं की, तो इसकी रिकंसिलेशन एंट्री एचओ को करनी पड़ेगी और एचओ अपनी बुक में क्या करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो समझने वाली बात क्या है
कि दोनों में से कोई भी गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री करे, गुड्स इन ट्रांजिट एसेट से, गुड्स इन ट्रांजिट एसेट्स और एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो इस केस में दोनों में से कोई भी एंट्री करे, ये फिक्स है कि गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये क्या है, एसेट्स है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एचओ ने गुड्स सेंड किया तो एचओ उसकी एंट्री ऑलरेडी कर चुका है, तो उसकी अगर वो गुड्स ब्रांच को रिसीव नहीं हुआ है तो क्योंकि एचओ के यहां से ट्रांजैक्शन क्या हुआ, इनिशिएट हुआ है, तो सामने वाली पार्टी मतलब ब्रांच को रिकंसिलिएशन एंट्री करनी पड़ेगी। और ब्रांच अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा फ्रेंड्स, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ। और अगर मान लो ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न किया तो ब्रांच ऑलरेडी एंट्री कर चुका है, तो ब्रांच के यहां से ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ है तो ब्रांच की बुक में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है। तो इस केस में रिकंसिलिएशन एंट्री जो है वो सामने वाली पार्टी मतलब एचओ को करनी पड़ेगी, और एचओ अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। तो अगर मैं ब्रांच या एचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कॉमन क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो अगर एचओ करेगा तो गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच करेगा, और अगर ब्रांच करेगा तो ब्रांच एंट्री क्या करेगा, ब्रांच एंट्री करेगा गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ। डन, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।